अब रहीम शाह जब मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वीडियो बनाती है तो वो जानबूझकर अपना ऐसा स्कैंडल खोलती है जिससे वो पॉपुलर हो और फ्लैश पॉइंट पर आए, लेकिन हम कभी भी किसी लड़की को इस तरह से पॉइंट आउट नहीं करते और ये लड़कियां इसी तरह करती रहती हैं जिससे हमारे मुल्क हमारे पाकिस्तान की इज्जत तार तार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक जमील, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपके साथ मीनार पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन की थी और जो वहाँ पर वाक़या पेश आया था उस हवाले से हमने कोई तज़िया किया था और उस वक्त आयशा नामी लड़की जिसके साथ 400 लड़कों ने ज़्यादती की थी, सारा पाकिस्तान उसकी हिमायत में खड़ा था और एक इकरारुल हसन और यासर शामी जैसे एंकर भी उसके साथ खड़े थे और उस वक्त भी हमने ये इंकशाफ किया था कि ये लड़की अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इस तरह के स्कैंडल का रही है, प्री प्लान स्कैंडल का रही है। और उसके कुछ दिनों बाद आज ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर पूरे पाकिस्तान के सामने वाजे हो गई है कि ये लड़की सिर्फ ये स्टंट का रही थी और ये जो वाक़या था मीनार पाकिस्तान पे ये सिर्फ इसने अपने आप को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये किया था। और उसके बाद जो 92 न्यूज़ के एक माने हुए एंकर हैं जनाब राणा अजीम साहब, उनके एक इंटरव्यू में इन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें एक इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि एक शख्स उनके पास आया, इंस्पेक्टर साहब के पास। अब वो शख्स ये रुदात सुना रहा है कि वो ये जो रैम्बो था, अब ये रैम्बो कौन था, ये उस लड़की के साथ पिछले 2.5 साल से काम कर रहा था, रैम्बो जो उसके साथ मीनार पाकिस्तान में मौजूद था, ये रैम्बो नामी लड़का उस शख्स के साथ उसे कमरे में लेके गया और वहाँ पर उसकी पिक्चर्स और वीडियो बना के उसे ये धमकाया, ब्लैकमेल किया कि हम तुम्हारी फैमिली को ये पिक्चर्स भिजवा देंगे और उससे 2.5 लाख रुपया वसूल कर लिया। और ये मोहतरमा आयशा भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, तो इससे तो ये बात वाजह होगी कि ये लड़की और ये जो साथ इसके लड़का है ये मुसलसल जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनका काम ही ये है कि स्कैंडल बनाकर पॉपुलैरिटी गेन करना और पैसे कमाना। अब ये एक बात हमारे सामने बिल्कुल यहाँ है, ये एक रियलिटी की बात है कि एक लड़की आयशा नामी जो कोई इतनी पॉपुलर टिकटॉक स्टार भी नहीं है, लेकिन वो अपने एक बयान में बता रही है कि ये रैम्बो नामी लड़का मेरा भाई है और उसे मैं तनख्वाह देती हूँ। अब उसके पास अपने खाने के लिए इतने पैसे नहीं है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं है, उसे तनख्वाह कैसे देती होगी? तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको जैसे कि बताया कि ये बिल्कुल एक प्री प्लान स्कैंडल था और इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब आप ये देखेंगे ये कितने प्री प्लान तरीके से किया गया है, कितना ये प्लांट किया हुआ वाक़ है कि मीनार पाकिस्तान के नीचे जब 400 बाश लड़का आयशा नामी लड़की के कपड़े फाड़ने में मसरूफ़ था, उस वक्त लड़की रैम्बो को पास बुलाकर कान में बताती है कि आप मेरी वीडियो बनाएं, मगर रैम्बो की जानब से ये जवाब आता है कि नहीं, हम इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। लेकिन आयशा बार बार इसरार करती है कि मेरी वीडियो बनाओ। अब इसके पीछे आयशा की क्या सोच थी, वो क्या चाहती थी कि वीडियो किस लिए बनाएं? तो नाज़रीन, ये एक प्री प्लान गेम थी ताकि वो पॉपुलैरिटी गेन करे। और उसके बाद आप देखेंगे यासर शामी के इंटरव्यू में जिस तरह से वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने कल्चर में दुपट्टा लेकर बैठी हुई है और वो अपने आप को एक बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए था। और आप सबका भी आप पाकिस्तान में देखें कितनी इस तरह की एक्ट्रेसेस आई हैं और कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने इस तरह सस्ती शोहरत गेन करने के लिए मुल्क की इज्जत को दाव पर लगाया, जैसे कि कंदील बलोच, रहीम शाह, ये लड़कियां जानबूझकर ये इस तरह के स्कैंडल बनाती हैं ताकि हमारी पॉपुलैरिटी गेन हो सके। हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे कि ये जो वाक़ हुआ ये बिल्कुल सही हुआ या ये जो 400 लड़के थे इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, इन लड़कों का कसूर है, इन्होंने जुर्म किया और इन्हें इनकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन हम जब पाकिस्तान में देखते हो तो हमेशा इल्ज़ाम लड़कों पर आता है और मर्दों पर आता है और औरतें इस तरह का। अब रहीम शाह जब मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वीडियो बनाती है तो वो जानबूझकर अपना ऐसा स्कैंडल खोलती है जिससे वो पॉपुलर हो और फ्लैश पॉइंट पर आए, लेकिन हम कभी भी किसी लड़की को इस तरह से पॉइंट आउट नहीं करते और ये लड़कियाँ इसी तरह करती रहती हैं जिससे हमारे मुल्क हमारे पाकिस्तान की इज्जत तार तार होती है। अब आप ये देखेंगे कितना एथिकल वैल्यू से और हमारी जो कल्चरल वैल्यू से गिरा हुआ ये काम है। और अब ये जो रैम्बो लड़का है जो इस लड़की के साथ कई ऐसे घिनौने वाक़यात में मुलव्वस है, अब ये पाकिस्तान से भागने के मंसूबे बना रहा है और ये चाहते हैं कि आप ये पाकिस्तान से किसी तरह निकल जाए क्योंकि सारा इल्ज़ाम इन पर आ गया है और इन्होंने जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो बेइज्जती करवाई है उसका अब इन्हें हिसाब देना होगा। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से एक ही अपील है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और जो मुजरिम है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।